सभी को नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत ज़रूरी सूचना है, बहुत ज़रूरी अपडेट है। आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन के अंदर ये दी गई है कि एक इनिशिएटिव है जो आईबीपीएस लेगा, इससे आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। पीछे के सालों में अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बैंकिंग एस्पिरेंट जूझ रहे थे कि एक बच्चा है जो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। अब वो जब आईबीपीएस पीओ में, क्लर्क में या एसओ में जब वो मल्टीपल एग्जामिनेशन देता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसका सब में सिलेक्शन हो जाएगा, बट वो पोस्ट तो एक ही लेता है तो बाकी दो वैकेंसीज वेस्ट हो जाती हैं। अब उसका सॉल्यूशन आईबीपीएस ने किया है और ये जल्दी ही इंप्लीमेंट भी होगा और इसके ऊपर डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं कि ये किस तरीके से आगे प्रोसीड होने वाली हैं चीज़ें, ये आपको पता लग जाएगा आगे। इसमें क्लियरली दिया गया है कि आईबीपीएस आपसे प्रेफरेंसेस मांगेगा क्लर्क, पीओ और एसओ के लिए कि अगर आपका एक से ज़्यादा पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है कि तो आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का पीओ और एसओ सिलेक्ट हो जाता है तो बच्चा प्रेफरेंस ऑर्डर में क्या डालेगा? अगर वो एसओ डाल रहा है तो अगर दोनों एग्जामिनेशन उसके सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसकी अलॉटमेंट सिर्फ एसओ की आएगी और पीओ वाली वैकेंसी से वो फ्री कर दिया जाएगा और पीओ वाली एक एक्स्ट्रा वैकेंसी काउंट की जाएगी जो उनके लिए आगे का जो बच्चा कट ऑफ से मूव हो रहा होगा उसके लिए काम आएगी। तो इसी तरीके से एक बच्चा जिसके तीनों एग्जामिनेशन क्लियर हो रहे थे पिछले साल तक, वो अपनी जॉब लेने के साथ साथ दो वैकेंसीज को वेस्ट भी कर रहा था, जिसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। वो तो अपनी तरफ से सारे एग्जामिनेशन देगा क्योंकि श्योरिटी लास्ट में जाके होती है कि उसका कोई पेपर क्वालिफाई हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रेफरेंस ऑर्डर मांगा जाएगा, उससे क्या होंगी, बाकी की दो वैकेंसीज बच जाएंगी और दो और बच्चों का भला हो जाएगा और उनकी वहाँ पे वैकेंसी वेस्ट भी नहीं होगी। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। थोड़ी इसके ऊपर डिटेल्स आएँ तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो कि ये सब प्रोसेस कैसे प्रोसीड होने वाली है, और उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। अब क्या है कि वो एग्जामिनेशन का माहौल शुरू हो गया, अभी सिर्फ एक आरआरबी की नोटिफिकेशन थी, साथ में क्लर्क की ओर जुड़ गई है। आप वेट करते जाइए, अभी आईबीपीएस पीओ की भी ऐसे जुड़ जाएगी। अभी वो समय है जब बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाती है। एक पीओ प्री, एक एक प्री खत्म हो रहा होता है, अगला मेंस आने वाला होता है कुछ दिनों में, एक मेंस की तैयारी में रुकोगे, इतने में दो चार दिन में कोई और प्री आ रहा होगा। ये वो वाला टाइम है, ये वो टाइम है जब आपको बहुत स्मार्टली खेलना है। इसके अंदर क्या करना होता है, देखो बेसिक्स और ये सब चीज़ें जो हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं पहले से, तो आपको एज मिलने वाला है। आपको बैलेंस बना के चलना है, आपको ये देखना है कि इस पूरे के पूरे तैयारी के सिस्टम में जब प्री को हमेशा साथ पकड़ के चलना है, प्री नहीं छोड़ना। प्री कैसे साथ पकड़े चलना है, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, ये सब करते रहना है, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। उसके साथ साथ जब जब आपको ज़्यादा टाइम मिले, बड़े बड़े स्लॉट लगाओ मेंस की प्रैक्टिस के, मेंस की प्रैक्टिस के बड़े बड़े स्लॉट लगाओ। जीए का हाथ मत छोड़ो, जीए रेगुलर करते रहो। साथ साथ आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उसमें वीक एरियाज़ को थोड़ा ज़्यादा टाइम देके, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को एक कॉन्स्टेंट टाइम देके, थोड़ा बहुत कि उसमें हम कमज़ोर ना पड़ जाएँ, इस तरीके से चलो। अब ये समय वो आ गया जिसकी ज़्यादा बढ़िया स्ट्रेटजी होगी, जो ज़्यादा बढ़िया बैलेंस बना पाएगा वो निकल जाएगा इस एग्जामिनेशन में। कैसा लगा इनिशिएटिव ये भी बताइएगा। एक नई सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम ऐसा है जब बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक बहुत ही एग्रेसिव प्रैक्टिस की। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्री और मेंस की अल्टरनेट डेज पे प्रैक्टिस, तो वो अब चलने वाला है आगे आने वाले पूरे के पूरे महीनों में। आगे आने वाले दो महीने यही सब होगा, प्री और मेंस की अल्टरनेट डेज पे बहुत एग्रेसिव प्रैक्टिस करेंगे। और कल से शुरू कर रहे हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। सो कल सुबह 9 बजे पहला मॉक टेस्ट होगा, आप आइएगा, अटेंड कीजिएगा। आज है 3 तारीख, 4 तारीख से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, 4th से हम ये स्टार्ट करेंगे, 4 तारीख से आपका मॉक टेस्ट 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आरआरबी पीओ प्री 1 मॉक टेस्ट 1, ठीक है। उसके आगे मेंस आएगा, फिर प्री, फिर मेंस, ऐसे चलता जाएगा। बीच बीच में मैं आईबीपीएस क्लर्क प्री के भी कराऊंगा और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के भी कराऊंगा। स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी एनर्जी बना के रखिएगा, अपने पर विश्वास रखिएगा और उस ऊपर वाले पर भी। ऊपर वाला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता। गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।